प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने नंदी व बछड़ों को खिलाया गुड़ चना। बलिया में बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने के उपरांत मथुरा पहुंचे सीएम योगी। अन्नपूर्णा भवन के लोकार्पण के पश्चात श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने किया विधिवत पूजा अर्चना। शाय को लखनऊ पुलिस लाइन में जन्माष्टमी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर शाम लखनऊ से वापस गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि में गोरक्षपीठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने पर प्रशासनिक कार्यालय व तरंग क्रॉसिंग पर मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए किया प्रदर्शन। अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद 5 छात्रों को ज्ञापन के साथ भेजा गया गोरखनाथ मंदिर। छात्रों ने हॉस्टल खाली करने के आदेश को रद्द करने की मांग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर संगीत का भी लिया आनंद। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 2 दिवसीय चित्रगुप्त मंदिर में लगाई गई अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी। राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने फीता काटकर फोटो प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। किया अवलोकन, कहा एक फोटो कर देती है पूरे समाज का चित्रण। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। कहा भारत निर्वाचन आयोग ने 1200 मतदाता वाले बूथों पर 1500 मतदाता करने का दिया है निर्देश। अब जनपद के बूथ 4126 से घटकर होंगे 3628। राजनीतिक दल लिखित शिकायत कर दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर एसोसिएशन के तत्वावधान में फोटोग्राफरों ने केक काटकर मनाया विश्व फोटोग्राफी दिवस। कहा फोटो के बिना यह दुनिया है अधूरी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जलकल परिसर में रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया पंडाल। भारी संख्या में लोगों ने जन्माष्टमी के पावन पर्व का उठाया लुफ्त। कहा 2 साल से स्थगित श्री कृष्ण जन्मोत्सव का इस साल धूमधाम के साथ किया गया है आयोजन। और शुक्रवार को ही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत। नगर निगम की लापरवाही से कई मोहल्लों में सड़कों पर लगा पानी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक जनपद में कुछ जगहों पर गरज के साथ होगी वर्षा।